उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के आईटीआई मैदान में आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह बड़ी ही धूमधाम से संपन्न हुआ, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय सहदेव पचौरी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि जनता की भलाई के लिए बीजेपी सरकार सारे काम कर रही है। 250 करोड़ की यह योजना पूरे देश में लागू की गई है, जिससे कोई भी गरीब कन्या वंचित नहीं होने पाएगी। समारोह में 101 जोड़ों की शादी संपूर्ण रीति रिवाजों से संपन्न कराई गई और विधिवत शादीशुदा जोड़ों को उपहार स्वरूप भेंट भी दिया गया। सरकार की तरफ से यह प्रत्येक जोड़ों को 20,000 का चेक सहित कपड़े, बैग, बर्तन आदि अन्य उपहार दिए गए। योजना के अनुसार पर वधु का विवाह संपन्न हुआ है और ये कार्यक्रम आगे भी जारी होते रहेंगे। आज तो जिला स्तर पर हुआ है, आगे ब्लॉक स्तर पर भी कार्यक्रम होंगे, छोटे छोटे समूह में होंगे, ताकि कोई भी बहन ऐसी न छूटे गरीब कन्या जिसके हाथ की विवाह। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से गणेश कुमार की रिपोर्ट।